ठीक आ रही हूँ मैं गाइस, पहले बताओ तभी गुड मॉर्निंग करूंगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो सुबह का दिन है और दिन के बज चुके हैं 12 में, सुबह कहीं नजर नहीं आ रही क्योंकि हम उठे ही 10:30 बजे थे। वो भी किसी ने ठक 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 किया तब हम उठे, पता नहीं कौन था। और हाँ, जो था ना ठक ठक करने वाला, उसको हमने बोला भाई 1 मिनट रुक जा, आ रहे हैं। वो ठक ठक करने वाला ही भाग गया 3-4 बार ठक ठक करके। वो होगी कूड़े वाली, होगी तो कूड़ा तो सुबह आपने बाहर रख दिया था ना। अरे तो वो बोल रही होगी ना कि अंदर रख लो डस्टबिन। अच्छा, अपने को ही बोलती है यार, बराबर वालों का भी तो बाहर रखा हुआ था, लेकिन अपने पीछे पड़ी रहेगी। अच्छा ठीक है, तो अभी मैंने ब्रश नहीं किया, डुबू ने भी ब्रश नहीं किया, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, अभी हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और आज फिर से कपड़े धो आंदोलन चलेगा, तो मुझे कपड़े धोने हैं बहुत सारे क्योंकि फिर से कपड़े इकट्ठे हो गए। डुबू में थप्पड़ मार दूंगी आपको, तो ऐसा वाला आज काम होने वाला है गाइस। कल पता है क्या हुआ था? कल ना जब हम वो बिस्किट खाने गए थे ना, स्मोक वाला, तो स्मोक वाले बिस्किट वाले अंकल ने ना मेरे डुबू को ऐसे बोला कि खाओ, चबाओ, मुस्कुराओ और मम्मी को दिखाओ। सोशल मीडिया पे तो लोग छोड़ ही नहीं रहे, बाहर भी नहीं छोड़ रहे। एक्चुअली ना, एक तो ये छोटे लगते हैं, उसमें कोई डाउट, तभी तो मैं ऐसे नहीं तैयार होके जाती, यही रीजन है। जैसे भी तैयार होके जाओ, आप छोटे ही नहीं। जब मैं नॉर्मल कपड़े पहन के जाती हूँ ना, मतलब बिना ज्यादा रेडी नहीं होके जाती और ऐसे ही जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा लगती हूँ बड़ी। और जब मैं ऐसे, मतलब जैसे जब मैं शर्ट वगैरह पहन के जाती हूँ ना, तब मैं बड़ी लगती हूँ। टी शर्ट पहन लेते आप, ऐसा कुछ नहीं होता, आप दिखते ही छोटे हो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, उसमें आपका कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और मैं, मेरी बॉडी ब्रॉड लगती है, मेरे फीचर्स बड़े वाले लिख देते हैं हमेशा से ही। जब मैं 12-13 साल की, तभी भी लोग मेरे को बोलते थे कि 17-18 साल के, क्योंकि मेरी यू नो हाइट भी सही थी शुरू से और मेरे शोल्डर्स भी ब्रॉड है, तो उसमें ऐसी कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको सारे सेक्शंस में जाना होता है, बच्चों वाले में, जहाँ पे बच्चे, मतलब मम्मी अपने बच्चों को लेके आती है। तो अंकल को भी ये लगा कि मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ यहाँ पे, तो अंकल ने वही सोचा अच्छा, क्योंकि ये ऐसे करते हैं, बाबू मैं ये खाना है, मैं तो ये खाऊंगी, ये खाना है, तो सामने वाले को ऐसे ही लगता है ना, अब जाना मुझे किसी सेक्शन में लेके, ऐसे दूर दूर रहना मेरे से। मम्मी बना के रख दिया मुझे, और 2-2 बार बोल दिया अंकल ने, पहले तो कह दिया हंसो, खाओ, मुस्कुराओ, मम्मी को दिखाओ, फिर दूसरी बारी में कहते हैं रुको मम्मी के लिए भी एक बनाते हैं। और फ्री में बनाया उसने, पता है डुबू ने ऐसे खा रही है, उनको दे दी, अभी बताती हूँ खाने के बाद अंकल। मतलब यार बहुत अजीब सा सीन था, मेरे को मम्मी बना दिया अंकल ने, ये भी नहीं सोचा कि मैंने थोड़ा पैर रखा है, तो कम से कम उन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, दहेज में ले आई हूँ। सो गाइस, आज बनने जा रही है हरी प्याज एंड आलू, देख रहे हो? हाँ, खोल दे, सारी आवाज आ जाएगी जिससे, खोल दे। नहीं, खोल दे, क्या कर रही है ये? तो यही घर कैसा है, जरा सी पानी की बूंदे दिख जाए ना, पूरे में काला काला होना लग जाएगा, बंद करना। नहीं, और ये देखो, यशु ने इसके अंदर पता है क्या क्या काटा है, ये पता है क्या है गाइस? पहले लाइट जलाओ, ये पता है क्या है? लाइट जलाओ, ये भगवान, ये है कच्ची कैरी, तो इसने प्याज टमाटर में कच्ची कैरी भी काटी है, आई डोंट नो व्हाई। खट्टी मीठी है, हाँ, टेस्टी, पता है मैंने एक ली थी उससे सिर्फ, 10 रुपीज की थी। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है जिंदगी एक नहीं, मैंने बोलता नहीं बनाया, एक नहीं जंग है हर घड़ी, सॉरी हर कदम एक नहीं जंग है, जंग नहीं होती है, जंग अलग होता है। हाँ, जंग होती है, जंग, जंग पता क्या होता है? जो वो खाता रहता है ना जंग, हाँ खा जाता है, हाँ होता है। तो गाइस यार, आज कहाँ जाएंगे हम, आज कहाँ करेंगे हम, आज पारू पारू दे, तेरा तो डेली पारू पारू दे होता है, हट जा, आज पारू पारू दे। देखो सैटरडे संडे पर पारू पारू दे रख लेते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि सैटरडे संडे पानी मंगा दो, पानी खत्म, परसों से बोला हुआ है मैंने आपको। चलो गाइस पानी मंगा लेते हैं,
सुबह से तो एक घूंट पानी तक नहीं पिया अपन ने। हाँ। फाइनली आ चुकी है प्याज और आलू टमाटर और क्या क्या बाबू इसमें धनिया की सब्जी और साथ में आज हम लोग खाने वाले हैं पापड़ जो हम जयपुर से लेके आए थे, जो हम भूल ही गए थे कि हमारे पास पापड़ भी है, तो अब से हम डेली पापड़ खाएंगे। और ये रही हमारी रोटी, तो चलो गाइज पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सॉरी सो गाइज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ओबरॉय मॉल, जो कि लास्ट ईयर हम लोग गए थे तो उन्होंने हमें भगा दिया था मतलब भगाया नहीं था एक्चुअली, मेरे सिर्फ एक ही डोज लगी हुई थी उस टाइम पे कोविड की, तो उन्होंने बोला था कि दोनों डोज के साथ ही आपको अलाउ करेंगे, तो इसलिए। और अभी पता नहीं कि वो लोग डोज चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि कोविड का दोबारा से आ गया है, नहीं दोबारा से आ गया ना, उस चक्कर में बोल रही हूँ। तो क्या वो आपके लगी हुई है? तो मेरे अब दोनों लगी हुई है, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो जा रहे हैं, आज का ये लुक है हमारा। यार कपड़े ही नहीं है यार, ये देख लो। और यशु ने पहना ये वाला सूट, ये देख लो। और अपना बेड देख लो कितना गंदा हो रखा है, बोलने दे फिर क्या होगा, लोगों को पता नहीं है ना चीजें क्या चल रही हैं, उनको बोलना आता है। छोड़ो ना, तो ये पहन लिया है यशु ने सूट। चलो बन के जाऊंगी गाइस। कैसे बन के जाएगी? लग रहे हो बहुत सुंदर, लग रही है सुंदर, लग रही है बहुत ज्यादा सुंदर। लग रही मम्मी कहा ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं, मेरे को कहा था मम्मी बोल दिया ठीक है, मेरी बेटी करती हूँ मैं, उसका मतलब ये थोड़ी है। अब चले, वॉशरूम जाके आ रही थी बस मैं। ये कर गई हम लोग जा रहे हैं अब मॉल। इग्नोर माय मोटापा, अच्छा मैं थोड़ी सी पतली तो हो गई हूँ। कुछ बात बोलनी आती है कि नहीं आती तेरे को? इसके आता है ना मुझे मारना, बता रही हूँ मैं। पिटोगी क्या? पिट के जाओगी क्या मेरे साथ? पिट के जाओ, तुम जाना है, तुम जाना है। गेम इसमें बस तीन ही हाथी हैं, एक तो हाथी उठा के डाल दो कम से कम। डुगू प्लीज प्लीज प्लीज, मत वेस्ट करो ना। Oh,
मैच भी कर रही है शक्ल। ओह माय गॉड, दोनों एक जैसे। गाइस अब हम आ गए हैं फूड कोर्ट में और यहाँ पे आके हमेशा की तरह हमने अपनी एक मील मंगाई इस बार और एक ये और इसको भी साथ में बैठा लिया। बताओ मुझे, मतलब क्या? कल मैंने बोला था कि जो जो लोग मुझे बोलेंगे मैं पतली लग रही हूँ, मैं सबको हार्ट और पुच्ची भेजूंगी। मतलब एक ने तो लिटरली लिख ही दिया, यशुदी आप पतली लग रही हो, अब इस बात के चलते ये अपना प्रॉमिस मत भूल जाना कि आपने हार्ट भेजना है। आपके हार्ट के लालच में मैंने ऐसा बोल दिया। और एक ने तो भाई हद ही कर दी, एक ने तो मतलब इतनी हद कर दी कि मतलब मुझे लिटरली शर्म आने लगी अपने ऊपर। उसने लिखा है, हालांकि थैंक यू सो मच आपने ऐसा लिखा, लेकिन ये झूठ की हद्दी पार हो गई थी। लिखा है, यशु दी मैंने आज तक लाइफ में आपकी जितनी फिट लड़की नहीं देखी। भाई क्या क्या चाहते हो तुम लोग? मतलब सीरियसली, मतलब सीरियसली तुमको लगता है मैं फिट हूँ? क्या बोलूं मैं, बताओ यार। कोई बात नहीं, प्यार लेकिन यहाँ से ना आप लोगों का प्यार यार जरूर नजर आता है। मतलब मैंने एक सिली सी बात की थी, मैं आपको बताया, मैं तो मेरी बातें ऐसी होती हैं सारी मजाक वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हंसी मजाक चलते रहना चाहिए जिंदगी में, वरना जिंदगी बोर हो जाती है। तो मतलब मैंने वो एक सिली सी बात बोली है एंड आप लोगों ने उस पर जो रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए मुझे। और अभी देखो इतने सारे लोगों ने मैनिफेस्टो कर ही लिया है, क्योंकि जब लिखते हैं यशुदी आप पतले हो गए हो, यशुदी आप पतले लग रहे हो, अरे किसने कहा आप मोटे हो, तो आप उसको एक बार मन में भी पढ़ते हो। Exactly. और किसी ने कहा है कि कभी ना कभी आपके मुंह पे जो बोलते हैं ना सरस्वती बैठी होती है, और हम लोग उस चीज को ये भी बोलते हैं कि तुम जैसा बोलते हो वैसा होता है, लाइक मैनिफेस्ट करना जिसको बोलते हैं। Exactly. तो इतने सारे लोगों ने अगर लिखा है तो यशु एक ना एक दिन पक्का पतले, एक ना एक दिन का मतलब है मैं जल्दी पतली होंगी, टेंशन मत लो आप लोग। यार मेरे को भी लिख दो, मेरे सिक्स पैक एप्स आ जाए। अगर ऐसा किसी ने लिखा तो मैं सबके कमेंट्स को लाइक करूंगी। वो मैं वैसे ही नॉर्मली रोज लाइक, नहीं 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 हार्ट वाला लाइक, यशल्स व्लॉग से लाइक आता है ना जो, वो वाला लाइक करूंगी। हट, अगर ऐसे लिख दिया कि पायल के नहीं, पायल के नहीं, डुगू के सिक्स पैक एप्स आ जाए, है ना बाबू? हाँ जी, लिख देना इसके सिक्स आएंगे तो मेरे 12 आएंगे, मुझे नहीं पता। 12 खाना खा लिए, हाँ मुंह पे लगा ले थोड़ा भी। सॉरी गाइस, शक्ल इसकी, शक्ल इसकी बर्गर जैसी हो गई, 12 पैक्स आ गए। मेरी शक्ल बर्गर जैसी है? कौन सा बर्गर जैसी? बर्गर जैसी नहीं, मिसल पाव जैसी। यार मिसल पाव मुझे पसंद नहीं है। मिसल पाव ही लगा लेना तू 12। मजाक था, कोई भी इज्जत नहीं। तो गाइस अभी टाइम आपको बता दूं 12:15 हो रहा है और हमने खाना खा लिया है। Yes. हमने पनीर की भुर्जी टाइप कुछ बनाया था मिक्स करके, पता नहीं वो खा लिया हमने, चाट में चावल खा लिया, और मैंने बनाई थी हरा धनिया और मैंगो की चटनी। आई एम रियली सॉरी, मैंने रॉ मैंगो की चटनी बनाई थी, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा भूख में थे ना कि हमने खाना खा लिया। और अभी जब हमने कैमरा उठाया, फोन उठाया, तब याद आया कि यार शूट खाना तो शूट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी, और अगर आपको चाहिए वो रेसिपी तो आप मुझे बताना, मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी मकबन वाले, इसमें मकबन की शॉर्ट में डालूंगी फिर उसको मैं। तो गाइज अभी का ऐसा है कि आज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हम जब गए थे, हम लोग गए थे ओबेरॉय में ना, गए ओबेरॉय में गए थे, और इतना ज्यादा रश बाबू, एलिवेटर क्या बोलते हैं उसको, मैं तो भूल गई हूँ, भूल गई मैं, एलिवेटर पता नहीं, एस्केलेटर क्या ही हो गया मेरे को, पता नहीं क्या बोलते हैं, स्वचालित सीढ़ियां। यार मेरे को क्यों नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा उसको। गाइस जो सीढ़ियां चढ़ने वाली और उतरने वाली होती है ना, स्वचालित सीढ़ियां जो होती हैं, मतलब उनपे भी लिटरली लाइन लगी हुई थी, लाइन इतनी ज्यादा भीड़ थी। ये ना बर्गर किंग से बर्गर लेने गए थे, तो वहां पे पूरा फूड कोर्ट था ना, तो मैं वेट देख रही थी कि जगह कहाँ पर है, क्योंकि पूरा का पूरा फुल था, लोग लिटरली खड़े होकर खाना खा रहे थे, तो मैं जगह ढूंढ रही थी। तो एक मतलब एक खड़े हुए थे साथ में बच्ची को लेके, तो मुझे नहीं पता था कि वो फैन होगी या कुछ होगी, तो वो पूरे टाइम मेरे साथ ही खड़े रहे। फिर जब हम लोग एक जगह बैठ गए ना, तो वो फिर लेकर आए उसको, फिर उन्होंने बोला कि पता है क्यों वीडियोस देखती है, क्योंकि तू अकेले खड़ी थी ना, तेरी पहचान सिर्फ मुझसे है। एक दिन मेरे बिना वीडियो बना लेना, पता चल जाएगा हम दोनों की पहचान एक दूसरे के साथ है। तो फिर उन्होंने तेरे को क्यों नहीं पूछा उस टाइम पे, फिर जब मैं जब तेरे साथ बैठी तभी क्यों पहचाना तेरे को? पता है वैसे एक बार इतनी दौर हुई थी क्या, जैसे जब आप वो टाइम जोन वाले वो
कूपन्स को करा रहे थे ना, तब उसने बोला मुझे कि मैं आपके साथ एक सेल्फी खींच लूं। मैंने बोला खींच लो ना, तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार ना भैया के साथ भी खींचनी है। तो फिर वो दुखी रही। तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि तेरी पहचान सिर्फ मुझसे है, मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए लोग आपका मजाक करूँ, बोलने मत लग जाना। वैसे तुम बोलते रहते उसको मारा मत करो, ये मत, पता कितनी पिटाई कर दी है मेरी ये। मेरे मुंह में अच्छा तो भाई जान बहुत भर भर के क्या है यार। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, तो गाइस इसी के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग एंड। आज के व्लॉग में ज्यादातर था वहां की मस्तियां, जिसपे आपको बहुत सारी यू नो मेरी सुनहरी सुनहरी आवाज सुनने को मिलेगी, बहुत मजा आने वाला है गाइस। और आप लोग व्लॉग पे प्यार बड़ा कम कम दे रहे हो, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको ज्यादा ज्यादा प्यार देना है, तो जल्दी क्योंकि ज्यादा ज्यादा प्यार देते क्यों नहीं हो यार, दे दो यार, कुछ नहीं होता। यूं हमेशा कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं रखा यार, 200K करा दो यार, क्या करी जा रहे हो, क्या करी जा रहे हो यार, 200K कर आ तो मुंह से क्या निकल रहा है गूंजा। तो चलो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं जल्दी। मेरे मत माना, मेरे पिंपल तो देंगे जाना, आपने मेरे मुंह में से ऐसा बोला, कुछ भी नहीं था, वो धागा था, एक पिलो का लगा था। आई लव यू, हाथ छोड़। सो गाइज इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल बाय बाय, गुड नाइट।